उनको जो बेल मिली है वो इंटरिम बेल मिली है और केवल प्रचार के लिए मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद भी अपनी पटिशन में ये दलील नहीं दी कि वो निर्दोष हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि 2 मई को आपको वापस जाना है, सॉरी 2 जून को उनको वापस जाना है। आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके प्रचार में होने या न होने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2014 में भी वे प्रचार कर रहे थे, 2019 में भी वे प्रचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम सबके सामने जाहिर है। इस बार भी 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। जी, इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है, इसीलिए ताकि खुद क्या कहेंगे। जी, निराधार आरोप है। 9 समन्स का निरादर उन्होंने स्वयं करा था। आप जानती हैं कि ईडी उनको पिछले साल नवंबर से बुला रही है इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन तब तो वो बड़े अजीब अजीब से बहाने बना रहे थे कि जैसे उनको विपासना की वर्कशॉप के लिए जाना है। देखिए, आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है।